हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए भारत सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। देश की सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। मोदी सरकार इस काम के लिए अकेले अमेरिका से करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6 खरब रुपए के रक्षा हथियारों के लिए डील करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत ये डील करने वाले हैं। इस काम के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद का गठन किया गया है। भारत ने इस बड़ी खरीदारी की दिशा में पहला कदम बढ़ा भी दिया है। पिछले हफ्ते अमेरिका से 8 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I की खरीद पर अंतिम मुहर लगा दी गई थी। भारत ने पहले भी इसी श्रेणी के विमान खरीदे थे, लेकिन वे P-12I थे। अमेरिका ये विमान आगामी अगस्त महीने तक भारत को सुपुर्द कर देगा। इस विमान की खूबी है कि ये सेंसर, हार्पून, ब्लॉक 2 मिसाइल, MK-54 लाइट टॉर्पीड और रॉकेट जैसी नई तकनीक से लैस है। ये सबमरीन को डिटेक्ट करके खत्म करने की क्षमता रखते हैं। सेना से मिली एक जानकारी के मुताबिक नौसेना 1 दर्जन से ज्यादा P-8I विमान खरीदने के मूड में है। इसी तरह भारत की $2.5 अरब के 30C गार्जियन यानी प्रीडेटर बी ड्रोन की खरीद पर सहमति बन गई है। ये नौसेना और वायुसेना को दिए जाएंगे। इस मामले को भी DAC के पास भेज दिया गया है। इसी के साथ ही 24 नेवल मल्टी रोल MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे, जिनकी लागत करीब $2.6 बिलियन होगी। बताया जा रहा है कि यह खास तौर पर दिल्ली की सुरक्षा के लिए खरीदे जाएंगे। बताया जा रहा है कि नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 और 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाने को लेकर भी सहमति बन गई है। इससे दिल्ली को पूरी तरह से महफूज रखा जाएगा। दिल्ली में किसी भी तरह की घटना की आहट मात्र पर यह रक्षा प्रणाली काम करना शुरू कर देंगी। दरअसल इन दिनों भारत और अमेरिका के व्यापार और इमिग्रेशन पर कई तरह के तनाव की खबरें आ रही हैं। यही नहीं, अक्टूबर 2018 में रूस के साथ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल खरीदने के बाद भी अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते तल्ख कर लिए थे। हालांकि इसके बाद भी मार्च 2019 में भारत ने परमाणु क्षमता वाले हमलावर पनडुब्बी अकुला 1 और 10 साल के लिए पट्टे पर रूस से लिया था। तब ये माना जा रहा था कि अब भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं, लेकिन अब मामला आखिरकार सुलझा लिया गया है। दरअसल अमेरिका के विदेश सचिव माइक पोम्पियो इसी सिलसिले में भारत आ रहे हैं।